SA505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस। ऑफिस में हम बहुत बार बैलेंस कन्फर्म करते हैं, तो वो जो बैलेंस कन्फर्म करते हैं वो ये SA के अंडर गवर्न होता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। जो भी चीज़ हम कन्फर्म करना चाहते हैं, और हम कौन? ऑडिटर। जो भी हम कन्फर्म करना चाहते हैं वो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स होना चाहिए, मतलब वाया नहीं, मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट हमें रिस्पॉन्स करो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी यानी कि डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, कंपनी का डेटर, कंपनी का क्रेडिटर, कंपनी ने जिसको लोन दिया है या जिनसे लोन लिया है, बैंकर हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, एक नेगेटिव। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है कन्फर्मिंग पार्टी को टू रिस्पॉन्ड वेदर दे एग्री और डिसएग्री विद द इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है टू रिस्पॉन्ड ओनली इफ कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए को कंपनी ने लोन दिया है 5 लाख का, कंपनी के बुक्स में 5 लाख दिख रहा है। अगर कन्फर्मिंग पार्टी यानी कि मिस्टर ए उसके बुक्स में भी 5 लाख दिख रहा है, अगर मिस्टर ए के बुक्स में भी 5 लाख दिख रहा है तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बट अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो उसे उसमें भी रिस्पॉन्स करना है कि वो एग्री करता है कि हाँ 5 लाख बैलेंस है। और अगर समझो मिस्टर ए के बुक्स में 4,50,000 दिख रहा है बैलेंस और कंपनी के बुक्स में 5 लाख दिख रहा है, तो वो दोनों केस में रिस्पॉन्ड करेगा। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के एग्जाम्पल्स है, डेटर्स से कन्फर्म कर सकते हैं, क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कुछ कन्फर्म करना है, इन्वेंट्री कन्फर्मेशन विद थर्ड पार्टी। ये जो थर्ड और फोर्थ है वो SA501 में देखते हैं हम। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, ये दोनों अपना एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए से हमें क्या कन्फर्म करना था? लोन का बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 5 लाख है कि नहीं। ठीक है, जो अमाउंट कन्फर्म करना था एज ऑन 31 मार्च उसको ये बोलते हैं डिटरमाइन द डिटेल्स टू बी कन्फर्म। क्या कन्फर्म करना है? कि बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, वेदर द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इज 5 लाख रुपीज और नॉट। कन्फर्मिंग पार्टी कौन है? मिस्टर ए। पहले ये दोनों डिसाइड करो। अब इसको ड्राफ्ट करना है, डिजाइन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो हम ऑफिस में वर्ड पैड में ड्राफ्ट करते हैं ये। उसके बाद अगर ड्राफ्ट हो गया अभी तो सेंड द रिक्वेस्ट। सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड मत करो, कुछ दिन के बाद अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फॉलो अप रिक्वेस्ट कर। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को रिफ्यूज करता है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से, तो मैनेजमेंट से रीजंस मांगो कि हमें कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजने दे रहा। जो रीजंस मैनेजमेंट देता है फिर हमें देखना है कि वो वैलिड है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये चेक करते हुए, रीजन चेक करते हुए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वेदर देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये ऐसे 240 में हम देखते हैं। और साथ ही साथ हमें ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट का रिफ्यूजल अनरीजनेबल लगता है, यानी कि जो मैनेजमेंट रीजंस देता है वो वैलिड नहीं लगते ऑडिटर को, या फिर अगर ऑडिटर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाता, तो ऑडिटर को ये मैटर TCWG के साथ डिस्कस करना है। ऑडिटर को TCWG को जाके बोलना है कि मैनेजमेंट हमें कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने दे रहा, और डिटरमाइन करो इम्प्लीकेशंस, जो हमारा ऑडिट ओपिनियन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा वो डिटरमाइन करो। अभी आगे देखते हैं, अभी हमने कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है, या अभी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिस्पॉन्स आया या रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, रिस्पॉन्स आया उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, रिस्पॉन्स रिलायबल है तो अच्छी बात है, वो ऑडिट एविडेंस हम यूज कर सकते हैं। रिलायबल नहीं है तो फिर ये देखते हैं आगे।
अच्छा अभी रिलायबिलिटी पे ही डाउट है हमें, रिलायबल है कि नहीं है उस पर ही डाउट है, तो पहले तो वो डाउट क्लियर करो। डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व डाउट। अभी डाउट रिजॉल्व होने के बाद फिर दो चीजें हो सकती है, या तो जो ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है यानी कि ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है, रिलायबल है तो अच्छी बात है, रिलायबल नहीं है तो फिर ये केस में आ जाएगा रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल। रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ RMM, जो ये हम SA 315 में जो हमने स्टार्टिंग में असेसमेंट किया होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, वो हमें अभी रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है रिवाइज करना हो ये कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के नॉट रिलायबल होने के बाद, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, हो सकता है रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें क्या करना है, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्पॉन्स नहीं आना मतलब ये कंक्लूड नहीं कर सकते हम कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता या हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो डिटरमाइन इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट ओपिनियन। नेगेटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन हम कब कब यूज कर सकते हैं, यूज ओनली अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। पहला, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो कब होता है, जब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। इनडायरेक्टली ये फर्स्ट पॉइंट बोलना चाहता है, जब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तब यूज करो नेगेटिव कन्फर्मेशन। दूसरा, पॉपुलेशन कंप्राइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स। एग्जाम्पल, 10 रुपए के एंट्रीज कन्फर्म करने हैं जो हजारों है तब यूज कर सकते हैं। थर्ड, लो एक्सेप्शन रेट यानी कि गलती होने के चांसेस कम है। चौथा, वेरी लो चांस दैट रेसिपिएंट वुड डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, मतलब जिससे हम कन्फर्म कर रहे हैं, कन्फर्मिंग पार्टी हमारे रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगा यानी कि ध्यान नहीं देगा हमारे रिक्वेस्ट पे, उसके चांसेस बहुत कम है। अभी क्विकली रिवाइज करते हैं पूरा स्टैंडर्ड। SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऑफिस में हम बहुत बार देखते हैं, यूज करते हैं प्रैक्टिकली। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर। कौन करेगा, फ्रॉम थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, डेटर क्रेडिटर कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होता है, एक नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब अगर तुम डिसएग्री करते हो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उससे तो ही रिस्पॉन्ड करो। पॉजिटिव मतलब एग्री करते हो या डिसएग्री तो मैं रिस्पॉन्ड करना है, एग्जाम्पल डेटा क्रेडिटर वगैरह। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, पहला तो क्या कन्फर्म करना है वो डिटरमाइन करो, किससे कन्फर्म करना है वो डिटरमाइन करो। किससे कन्फर्म करना है, मिस्टर ए से। क्या कन्फर्म करना है, 5 लाख रुपीज लोन का बैलेंस है क्या एज ऑन 31 मार्च। उसके बाद डिजाइन करो पूरा वर्ड पैड में जो हम करते हैं, उसके बाद सेंड करो रिक्वेस्ट और फॉलो अप करो। अगर मैनेजमेंट हमें रिफ्यूज करता है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से तो रीजन मांगो मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के रीजंस चेक करो वैलिड है और रीजनेबल है क्या। उसके बाद ये भी ध्यान रखो कि हो सकता है रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क हो, SA 240 में हम देखते हैं। उसके बाद अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, क्योंकि हमें ऑडिट एविडेंस तो चाहिए, ये अगर ये मेथड से नहीं मिल रहा है तो कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर से मिलेगा। अगर मैनेजमेंट का जो रिफ्यूज़ल है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने देने का, वो अगर हमें अनरीजनेबल लगता है या फिर जो ये अदर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है उससे हमें ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते, तो ये मैटर डिस्कस करो TCWG से कि मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजने दे रहा, ठीक है, और डिटरमाइन इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। अब कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिस्पॉन्स आएगा या रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रिस्पॉन्स आया तो फिर दो चीज़ें हो सकती है, या तो रिस्पॉन्स रिलायबल है या रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, ठीक है।
रिस्पॉन्स रिलायबल है तो अच्छी बात है, हम एज एन ऑडिट एविडेंस उसको यूज कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रिस्पॉन्स जो आया उसके रिलायबिलिटी पे ही डाउट है तो पहले वो डाउट क्लियर करो। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करना है, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो डिटरमाइन इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट ओपिनियन। अब नेगेटिव कन्फर्मेशन कब कब यूज कर सकते हैं, जब असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है। ये कब हो सकता है, जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का स्ट्रांग है, पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स, लो एक्सेप्शन रेट, और दूसरा वेरी लो चांस दैट रेसिपिएंट वुड डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट।